आगे बढ़ते हैं, बड़ी जानकारी है देहरादून से। चारधाम यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चरों की मौत का ये मामला है। भाजपा सांसद मेनका गांधी ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से बात की है। लगातार हो रही घोड़े खच्चरों की मौत पर मेनका गांधी ने नाराजगी जाहिर की है। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा से मामले में संज्ञान लेने के लिए भी कहा है मेनका गांधी ने। और केदारनाथ और यमुनोत्री के पैदल मार्ग पर करीब देखिए 70 घोड़े खच्चरों की जान अभी तक जा चुकी है। वक्त अभी बहुत कम हुआ है चारधाम यात्रा को शुरू हुए, ऐसे में देखिए लगातार मौतों का सिलसिला घोड़े खच्चरों का जारी है और इसी पर मेनका गांधी ने नाराजगी जाहिर की है, सतपाल महाराज से बातचीत की है। इसी पर हमारे साथी पंकज जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। पंकज, मेनका गांधी ने सतपाल महाराज से बातचीत भी की है, क्या डिटेल्स है बताए। देखिए बहुत गंभीर मामला है, जिस तरह से चारधाम यात्रा मार्गों पर घोड़े खच्चरों की मौत हो रही है उसके बाद शासन प्रशासन उसको गंभीरता से नहीं ले रहा था। हालांकि एबीपी गंगा ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, उसके बाद सौरभ बहुगुणा ने डॉक्टरों की वहां तैनाती की थी जो पशुपालन मंत्री है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मंत्री है सौरभ बहुगुणा वो अभी भी चंपावत चुनाव में ही डटे हुए हैं। पिछले कई दिनों से लगातार वो वही है, लगातार घोड़े खच्चरों की मौत हो रही है और सबसे जो दिक्कत है वो घोड़े खच्चरों को जो बार बार उनसे यात्रा का ढुलान किया जा रहा है उस वजह से मौत की सबसे कारण बताए जा रहे हैं। उसी वजह से मेनका गांधी जो सांसद हैं और पशु अधिकारवादी भी हैं उन्होंने इस मामले का संज्ञान लिया है। उसके बाद उन्होंने जो पर्यटन मंत्री है सतपाल महाराज उनसे बात की है, उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की है कि इतनी बड़ी संख्या में घोड़े खच्चरों की बेजुबान जानवरों की मौत हो रही है चारधाम यात्रा में, उसका एक बड़ा संज्ञान लिया जाना चाहिए, एक बेहतर प्लान तैयार किया जाना चाहिए ताकि घोड़े खच्चरों की वहां मौत ना हो। अब ये कहा गया है कि घोड़े खच्चर जो चारधाम यात्रा में है उनको सिर्फ एक बार ही यात्रा पे भेजा जाएगा, उसके बाद उनको रेस्ट दिया जाएगा, ऐसे आदेश। घोड़े खच्चरों की इतनी बड़ी संख्या में जान गई है, इसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है, प्रशासन क्या कुछ कह पा रहा है, क्या कहा जा रहा है? देखिए इसमें प्रशासन का ये कहना है कि लगातार क्योंकि जो घोड़े खच्चर मालिक हैं वो उनसे 2 से 3 बार यात्रा कराते हैं। केदारनाथ का जो पैदल मार्ग है वो 18 किलोमीटर का पैदल मार्ग है और सुबह 4 बजे को यात्रा करने के लिए जाता है तो वो 11 बजे अगर पहुंच जाता है तो फिर उसके बाद उससे दूसरा चक्कर वापस लगाया जाता है। तो इस तरह से घोड़े खच्चर का जो वहां का जो टेम्परेचर है उस वजह से भी उनकी मौत हो जाती है, फिर पीने के पानी को लेकर वहां पर बहुत ज्यादा। लेकिन पंकज कल एक खबर भी आई थी, कल इसमें एक अपडेट ये भी था कि खच्चर से दिन में एक बार सवारी करवाई जाएगी, इस तरीके से मामला भी कल देखा जा रहा था, ये खबर आई थी निकल करके। बिल्कुल दीपा, पशुपालन मंत्री ने भी आदेश जारी किए थे और सचिव ने भी आदेश जारी किए कि एक बार में एक खच्चर से एक ही बार यात्रा कराई जाए। लेकिन जिस तरीके से देखिए हेली सेवाओं की तो बुकिंग बहुत मुश्किल है, अब जो लोग सक्षम नहीं है वो घोड़े खच्चरों पर ही निर्भर है, डिमांड और सप्लाई का अनुपात क्या है? बिल्कुल दीपक जी, सही बात है क्योंकि जो हेली सेवा है उसकी बुकिंग लगातार फुल हो रही है और जो यात्री हैं उनके पास एक ही रास्ता बचता है। गांव का हाल समझिए, घोड़े खच्चरों की जान जा रही है जरूरत से ज्यादा चक्कर लगाने से, अगर इन्हें रोक दिया जाए तो जो लोग सक्षम नहीं है वो पैदल जाएंगे और उसके बाद उनके साथ दुर्घटना होती है तो उसकी जवाबदेही भी बनती है। कुल मिलाकर के कठिन परिस्थिति है ये, इस पर किस तरीके से आगे काम करेंगे दोनों विभाग को देखना पड़ेगा, स्वास्थ्य विभाग को भी पर्यटन विभाग को भी। ठीक है पंकज, आप रहे हमारे साथ, आगे भी बड़ी जानकारी आपसे अपडेट हम लेंगे इस पर, अब किस तरीके से आगे बढ़ा जाता है, लगातार नजर है सतपाल महाराज, अब क्या कदम उठाते हैं, अधिकारियों से बैठक होगी, मीटिंग होगी और उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाएगा, एक प्लान तैयार किया जाएगा।